अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल कैरियर होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। सो जनाब, ये देखो, मैंने ना सुबह उठते साथ ही सबसे पहले तो मेरे पास मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, ये मैंने टेंशन लीड ऊपर रखी हुई है, तो फिर मैंने इधर मोबाइल को चार्ज किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। आज मेरी एक सब्सक्राइबर, उनकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, और डेरों को शाह पे नसीब लिखी जाए, आमीन। सुबह में नाम मुझे अभी याद नहीं है, पर उन्होंने ये वाली जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जो है ना वो 26 जून को जो है वो बर्थडे है, तो स्टोनी रेडेट की टेक्सचर की क्रमलिंग कर दें। सो ये आपके लिए नेम में जो है ना वो टाइटल पे ब्लॉग पे मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अभी नाम नहीं मुझे याद, और ये थोड़ी सी ब्लॉग में भी आपके लिए क्रमलिंग कर देते हैं। और उसके अलावा मैंने एक प्योर बर्डर्ड की, क्योंकि रिक्वेस्ट बड़ी आ रही थी कि डिपिंग वीडियो रिकॉर्ड करो, तो मैंने डिपिंग और नॉन डिपिंग, पहले नॉन डिपिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पे जब पेस्ट बन गया फिर मैंने डिपिंग की, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। तो वो वाली वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने कहा अब व्लॉग बना लेती हूँ, फिर बाद में काम शाम करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो काम कर सकते हैं, यहाँ व्लॉग बना सकते हैं, ये वीडियोज़ बना सकते हैं, तो ये एक ही काम हो सकता है एक टाइम में। मौसम का कोई अता पता नहीं है, सुना है कि जुलाई की स्टार्टिंग में 2 हफ्ते जो है ना वो तेज़ बारिशें बताई हैं, अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। अच्छा जनाब, स्लैब की रिक्वेस्ट आई थी कि स्लैब्स जो है ना बनाते हुए आप दिखा देना, तो यहाँ पे ना मैंने तो पहले कपड़े का इंतखाब किया, लेकिन कपड़े का इंतखाब करना जो है ना आई थिंक सो के इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो ना साथ ही चिपक जाता है कपड़े के साथ, और फिर उसके बाद वो टेक्सचर अलग ही नहीं होता। तो अब मैंने इसको इसके ऊपर डाला है, और अब इसको जो है ना हम स्लैब बनाते हैं। ये देखो, मैंने वैसे तो यहाँ पे जो है ना इस नीचे वाला अलग कर देती हूँ, ऊपर वाला अलग कर देती हूँ, लेवल करके देन हम जो है ना बनाते हैं। थोड़ी मोटी होंगी ना तो ज़रा अच्छी क्रम्बलिंग होती है, मुझसे बारीक स्लैब जो है ना वो नहीं मज़ेदार क्रम्बल होती। सीरीज़ कब आएगी जनाब? टेक्सचर ड्राई हो लेंगे, थे जैसे ही पहला टेक्सचर ड्राई हो जाएगा ना, आज हो जाएगा इंशाल्लाह टेक्सचर ड्राई, फिर कल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी पहली वीडियो रिकॉर्ड करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर इसका ये नुकसान है कि यहाँ पे ना इसका जो पानी है ना वो जल्दी ड्राई नहीं होगा इस शीट के ऊपर। सो लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखो, ठीक है, उसके बाद चलो ये मैंने इस तरह से जो है ना कटिंग कर दी है इसकी, ठीक है। अब इसको ड्राई होने देंगे, इसको भी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी, बाकी हम क्रम्बलिंग कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, ये देखो, ये एक टेक्सचर, पहला टेक्सचर की क्रम्बलिंग वीडियो इसी की आएगी, ठीक है, इसमें मिनी चंक्स होंगे।
देखो उसकी जितनी डस्ट थी ना वो सारी इसमें आ गई है। मैंने ये इकट्ठा इसलिए कर दिया था, मैंने कहा चलो ये जो लम्स वगैरह ना इसकी रिक्वेस्ट आती है कि भी लम्स की ग्रमलिंग करो, लम्स की ग्रमलिंग करो। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं, ये ग्रीटी टेक्सचर है, ब्लैक ग्रीटी टेक्सचर, ठीक है। बड़ी मुश्किल मैंने ये स्लैब्स बड़े एहतियात से आराम आराम से उतारी हैं, ये उतर ही नहीं थी रही। अब वो जो मिनी चंक्स है ना इसके ऊपर वो मैं उतारती हूँ, उठाती हूँ, इसकी क्रम्बलिंग करती हैं। स्लैब्स को नहीं मैं छेड़ूंगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने एडजस्ट की है और इसको एज इट इज़ ही क्रम्बल करूँगी। बाकी इसको भी अगेन बना के रख देंगे ना तो ये अच्छा बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह सुबह इसकी ही इसके चंक्स बनाऊंगी मैं, ठीक है। बाकी ये देख लें, इसमें चंक्स भी थे और इसमें स्लैब्स भी थी। उसके अलावा यहाँ पे भी जो है ना ये स्टोनी मल्टी स्टोनी सैंड सीमेंट टेक्सचर, ठीक है, ये वो वाला टेक्सचर है इसके, ये देखो, ठीक है, ये सारे स्टोन्स ऊपर आ गए हैं इसके। ये स्टोन्स वाले टेक्सचर्स की स्लैब्स बनाना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। इस टेक्सचर का सोचा था मैं ड्राई फ्लोर क्रमलिंग करूं लेकिन धूप आ चुकी है सर पे। आज ना धूप ज़रा ठीक है, ठंडी वाली है, वो वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म वाली नहीं है। छत वाले टेक्सचर की सिफ्टिंग करके देन शेप्स मेकिंग आप लोगों ने कहा है ना, तो उसके लिए ज़रा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह वो जो सेकेंड टाइम हम आएंगे ना तो फिर मैं वो ही रिकॉर्ड कर लूँगी आप लोगों के लिए, सो डोंट वरी। अब ये वाला टेक्सचर की वाटर क्रमलिंग इंशाल्लाह कल करूँगी। यहाँ पर भी जो है ना लम्स थे, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए भेज दिए, घुसा दिए ताकि ना ये उधर ब्लैक सैंड है तो मिक्स ना हो जाए। अब इसको आहिस्ता से निकालूंगी, फिर इसको देखेंगे। यहाँ पे चंक्स मैंने कुछ रखे थे क्रम्बल करने के लिए, देखो इसकी क्रमलिंग करती हूँ। ये प्योर ग्रिट चारकोल, ठीक है, लम्स सदफ़ उस्मान शायद उन्होंने लम्स का मुझे कहा था, और एक और सदफ़ है वो भी कह रही थी मेरा नाम लेना। मरियम है, थैंक यू सो मच मरियम, मेरी सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा और कोई नाम याद नहीं आ रहा। मोमिना है, मोमिना का नाम तो मुझे पक्का याद हो गया ना, जितनी माशाल्लाह से उन्होंने अपनी आईडीज़ बनाई है ना, कैसा हाथ में इतनी ज़ोर से चुभा है। ये वाला टेक्सचर भी बड़ी मुश्किल
खड़ा है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा चंक्स नहीं क्रम्बल करती। यहाँ पे ब्लैक सैंड की स्लैब्स बना दी हैं, ठीक है, ये देख लें। और हाँ, हीरा हीरा ही शायद कह रही थी कि ये शेप्स कब बनाएंगे, तो ये देखो स्टार शेप्स बना तो दिए हैं। ब्लड सीप इसको ज़मीन से कैसे उतारती हूँ और ये उतरेंगे, देन फिर इसकी हम क्रम्बलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्सचर दोनों रेडी, बम्ब टेक्सचर रेडी हो गए।